आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इवन नंबर को कैसे एक्टिव करना है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे इवन नंबर को एक्टिव कर सकते हो, सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए अपने वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आशा करता हूं कि अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अभी इसमें आपको टाइप करना है UAN होम, उसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद अभी आपको टॉप में स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेमर होम, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ना है। अभी आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। टॉप में एक क्रॉस साइन दिख रहा है, उसको क्रॉस करके कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएन नंबर, पासवर्ड, उसके नीचे कैप्चा कोड डालना है। हालांकि हम लोग को अपना यूएन नंबर को एक्टिव करना है तो और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन हम लोगों को इस वीडियो में बात करना है कि यूएन को कैसे एक्टिव किया जाता है। तो एक्टिव यूएन जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर पूरा आपको डिटेल्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो टॉप में राइट हैंड साइड में 3 डॉट जो दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड साइज जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको पूरा ऑप्शन शो होने लगेगा। उसके बाद आप आराम से इसमें डिटेल्स को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अभी आपको स्क्रीन पर पूरा ऑप्शन शो होने लगा। आप देख सकते हैं कि टॉप में सबसे पहले आपको यूएन नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद टिक करना है, उसके बाद गेट ऑथराइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP गया होगा, OTP को यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ से भी आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपका यूएन नंबर एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि आपका यूएन नंबर एक्टिव हो गया। अब इसके बाद आपको अपना यूएन नंबर का पासवर्ड फॉरगेट करना होगा। फॉरगेट करने के बाद आपको अपना यूएन होम के पेज पर जाना है, वहाँ पर लॉगिन करके पूरा आप डिटेल देख सकते हैं। तो पासवर्ड कैसे फॉरगेट किया जाता है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। आशा करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।